स्काईनेट टीवी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। मौसम विभाग ने तावते तूफान के चलते मध्य प्रदेश के 24 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार तावते तूफान के कारण इंदौर एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर 24 घंटे खुला रहेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित कोरोना रोधी दवा 2DG जून से सभी अस्पतालों में मिलने लगेगी। DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी जी ने सोमवार को यह जानकारी दी। 1 मार्च के बाद कोरोना से मृतक कर्मचारी के परिवार को 5 लाख रुपए एवं अनुकंपा नियुक्ति के बारे में भी सरकार विचार कर रही है। इंदौर कलेक्टर के खिलाफ जाकर इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आई जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गर्जिया के ड्राइवर को पुलिस ने रेमडेसिविर बेचते हुए गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक इंजेक्शन भी मिला है। विजयनगर पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर टीम ने 30 वर्षीय पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। 15 से ज्यादा याचिकाओं पर की गई सुनवाई, कई का निराकरण भी हुआ। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा संक्रमण कम, रिकवरी बढ़ी। जून के शुरुआती दिनों में खत्म हो सकता है लॉकडाउन। आज से इंदौर में अधिक कड़ाई से जनता कर्फ्यू लागू। जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से घर में रहने की अपील। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अभी तक 6000 से अधिक लोग भेजे गए अस्थायी जेल। कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में लगातार गिरावट आ रही है। सोमवार को शहर में 1262 नए मरीज मिले। राहत की एक बात और रही कि एक ही दिन में 2121 मरीज स्वस्थ होकर घर की ओर लौटे। आज की खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।